assalamu alaikum to everyone how are you all hope you all are fine today in this video we are going to read page number 34 and 35 of lesson number 3 hemaguchi in our next video we will read page number 36 the remaining part of this lesson lesson 3 hemaguchi word meanings native मीन्स मकामी लोग फार्मर मीन्स किसान लेंटर्नस मीन्स लाटें अर्थ क्विक मीन्स जिलजिला एंशियसली मीन्स फिक्रमंदी से बूमिंग मीन्स उरूज पर स्टॉक मीन्स तना वाइज मीन्स अक्लमंद रेस्पेक्ट मीन्स एहतराम सी शोर मीन्स समंदर के किनारे स्की मीन्स बिखरे हुए रियलाइज मीन्स एहसास हुआ ब्रीज मीन्स हवा

एंड हिम। वो बहुत अक्लमंद था मकामी लोग उससे प्यार करते थे और उनका बहुत एहतराम करते थे हेमागुची वॉज अ रिच फार्मर हेमागुची एक मालदार किसान था हिज हाउस स्टूड ऑन अल साइड हाई अब दी शोर उसका घर समंदर के किनारे से बुलंदी पर पहाड़ी पर खड़ा था हिल के नजदीक पहाड़ी पर बिखरे हुए देहातों के मकान थे ऑल अराउंड हेमागुचीज हाउस वर हिज राइस फील्ड हेमागुची के घर के चारों तरफ उसके चावल के खेत थे इट वॉज हार्वेस्ट टाइम एंड द फील्ड्स वर डोटेड विथ हंड्रेड्स ऑफ राइस स्टॉक्स ये फसल की कटाई का वक्त था और खेतों में हजारों चावलों के तने बंद थे देअर हैड अ फाइन क्रॉप एंड नाइट डाउन इन दिलेज दीपुल वर सेलिब्रेटिंग अच्छी फसल थी और आज रात गांव में लोग मना रहे थे हेमागुची सेट आउटसाइड द हाउस विथ हिज ग्रैंड सन टाडा हेमागुची अपने पोते टाडा के साथ घर से बाहर बैठ गया ही कुड सी द कलरफुल पेपर लेंटर्म्स एंड फ्लैग्स एंड दी पीपल गैदरिंग फॉर द डांस वो कागज़ की रंगीन लाटें और झंडे देख रहा था और लोग डांस के लिए तैयार हो रहे थे ही कुड हैव लाइक टू बी देयर टू बट ही वॉज टायर्ड एंड द डे हैड बिन हॉट वो वहाँ होना भी पसंद कर सकता था लेकिन वो थका हुआ था और दिन गर्म था दो इट वॉज स्टिल क्वाइट वार्म हालांकि ये अब भी काफी गर्म था अ अस्ट्रॉन्ग ब्रीज बिगन टू ब्लो इन फ्रॉम द सी समंदर से तेज हवा चलने लगी सडनली दिल साइड शूक जस्ट अ लिटिल अचानक पहाड़ी थोड़ी हिल गई दाउस रॉकड जेंटली फॉर अ मोमेंट घर एकदम के लिए आहिस्ता से लर्जा उठा अगैन फिर सब फिर हुआ एन अर्थ क्विक हेमागुची विस्पर टू हिमसेल्फ जलजला हेमागुची ने खुद से सरगोशी की दाओ ही वॉज नॉट फ्राइटेंड ही वॉज अ लिटिल वरीड हालांकि वो खूफ जिदा नहीं हुआ वो थोड़ा परेशान था ही लुक्ड एंशियसली टूअर्ड्स दिलेज उस ने फिक्रमंदी से गांव की तरफ देखा देन ही स्टूड अप एंड लुक्ड एट द सी फिर वो खड़ा होकर समंदर को देखने लगा इट वॉज वेरी डार्क एंड इट सीम्ड टू बी रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड बहुत अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि वो जमीन से भाग रहा है दू नोटिस दी वाटर रोलिंग आउट एंड दे हरी टूवर्ड्स द बीच गांव वालों ने भी पानी को बहते हुए देखा वो तेजी से साहिल की तरफ बढ़े दे हैड नेवर सीन सच थिंग बिफोर उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी फॉर अ फ्यू मिनट्स हेमागुची जस्ट स्टूड एंड लुक्ड कुछ मिनट के लिए हेमागुची खड़ा होकर देख रहा था देन ही कॉल्ड आउट टू हिज ग्रैंड सन टाटा टाटा क्विक लाइट मी अ टॉर्च फिर उसने अपने पोते को बुलाया टाडा जल्दी जल्दी टाच दो टाडा रन इन टू द हाउस टाडा घर के अंदर भागा ही पिकड अप अ पाइन टॉर्च लाइटेड इट एंड रन बैक टू हिज ग्रैंड फादर उसने दुबली मशल उठाई उसे रोशन किया और भागा अपने दादा के पास दी ओल्ड मैन the torch टॉर्च एंड हरी टू rice फील्ड्स बूढ़े आदमी ने मशल पकड़ी और जल्दी से चावल के खेतों में चला गया ran along दी रोज ऑफ राइस स्टॉक्स सेटिंग them on फायर वो चावल के तने की कतार के साथ दौड़ा और उन्हें आग लगाई एज दे dry, दे बंथ क्विकली जैसे वो खुश्क थे तो जल्दी से जल गए Soon फ्लेम्स एंड स्मोक टॉवर्ड इन टू द स्काई जल्द ही शोले और धुआँ आसमान में बुलंद हो गए टाडा वॉज पजल्ड टाडा हैरान था वाट हैड हैपेन्ड टू हिस्स ग्रैंड फादर उसके दादा को क्या हुआ था वाई वॉज ही बर्निंग दी राइस दैट वॉज दिया फूड वो उनके चावल क्यों जला रहा था जो उनका खाना था what would they eat wo kya the next part of this lesson we will read in our next video till then take care allah hafiz